तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एसस टफ A17 को। A17 का मतलब 17.3 इंच की डिस्प्ले, लेनोवो लीजन 5 से। 5 का मतलब 15 इंच की डिस्प्ले है। दोनों ही जो स्पेसिफिकेशन हम लोगों को देते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, और जो दोनों प्राइस के साथ आते हैं वो भी सिमिलर है। इसलिए जो है लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन हुई है कि मैं अब लेनोवो के साथ जाऊँ या एसस के साथ जाऊँ। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को दोनों में से कौन से लैपटॉप के साथ जाना चाहिए और वेट करना चाहिए किसी और लैपटॉप के लिए या नहीं, उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। और इस टाइम 70,000 रुपये के नीचे अगर कोई लैपटॉप हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है वो ये दोनों लैपटॉप है, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ आते हैं। तो जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है क्या कर रहे हो फिर, हैं किस चीज़ का वेट कर रहे हो? मैं अब वहाँ तुम्हारे फ़ोन में आके करूँ क्या? जाओ लाल वाला बटन दबा के आओ फटाफट से, जाओ चलो, अरे जाओ जल्दी जाओ फटाफट फटाफट, स्किप नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे जो दोनों ही लैपटॉप में सेम मिलती है। सबसे पहला जो प्रोसेसर है वो दोनों में सेम मिलता है, राइजन 5 4600H, 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है, बहुत ही बढ़िया CPU है। और जितने भी मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप है ऑलमोस्ट सब में यही वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। दोनों ही लैपटॉप में हम लोगों को 120Hz की डिस्प्ले मिलती है, और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगी यार कि 144 और 120 में क्या फर्क क्या है। तो उन लोगों को मैं बता दूं, वैलोरेंट, सांप सीढ़ी और चेस, ये तीनों गेम है जो 140 से ऊपर आपको FPS दे देगी, और ज़्यादा गेम नहीं है जो कि 144Hz तक या फिर 144 FPS आप लोगों को दे दे जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हुए। मैक्सिमम गेम्स आप लोगों को 100 FPS, 120 FPS से ऊपर तो देखो जाएगी ही नहीं। तो अगर आपकी डिस्प्ले 144Hz की भी है तब भी आपको 120, 180 FPS ही उस स्क्रीन पे शो होंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए 144Hz और 120Hz में ज़्यादा फर्क नहीं लगता। बाकी दोनों में 8GB की रैम लगी हुई है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही 3200MHz की है, तो रैम की क्लॉक स्पीड भी बहुत बढ़िया है। थोड़ी सी अच्छाइयों के बारे में अगर मैं बात करूं Asus TUF A17 की, तो यहाँ पर हम लोगों को GTX 1650 Ti देखने को मिलता है जो कि Lenovo Legion 5 के 1650 से 7% ज़्यादा बेटर है। अब 1650 Ti में और 1650 में ज़्यादा फर्क नहीं है। 1650 Ti जो है वो थोड़ी सी आपकी बैटरी बचा लेगा, परफॉर्मेंस आप लोगों को सिमिलर ही मिलेगी। मजाक नहीं कर रहा, जो प्लास्टिक यूज़ करी गई है और जो मेटल यूज़ करा गया है इस लैपटॉप को बनाने में वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो जब नाम में ही टफ है तो बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया होगी। और मैंने पर्सनली ना ROG सीरीज भी चलाई हुई है और Asus TUF सीरीज भी चलाई हुई है, जो दोनों में बिल्ड क्वालिटी मिलती है बहुत ही गजब मिलती है। बाकी जो डिज़ाइन Asus देती है यार उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, चाहे Asus TUF सीरीज ले लो, चाहे Vivo Book सीरीज ले लो, चाहे ROG सीरीज ले लो, Zephyrus सीरीज ले लो, सब में एक नंबर डिज़ाइन मिलता है, सब में डिफरेंट डिज़ाइन मिलता है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिलता है। RGB का कीबोर्ड भी मिलता है आप लोगों को इसके अंदर, और कसम से बता दूँ ना प्यार हो जाएगा आपको इस लैपटॉप से अगर आप लोगों ने देख लिया। थोड़ी सी Legion 5 की भी अच्छाइयाँ अगर हम लोग करें, तो यहाँ पर जो हमें कूलिंग सिस्टम मिलता है ना Legion 5 में, बहुत ही गजब है। वो 4 साइड में वेंट दे रखे हैं, 2 लेफ्ट और राइट साइड में, और 1 ब्लेड होती है उसके पीछे, और एयर इनटेक के लिए भी बहुत अच्छी स्पेस दी हुई है। तो कूलिंग सिस्टम जो है इसका मुझे तो बहुत फर्स्ट क्लास लगता है। Acer Nitro सीरीज के बाद अगर मुझे किसी का बढ़िया लगा है कूलिंग सिस्टम तो वो ये लैपटॉप है, बहुत ही गजब कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। बाकी इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 60 Wh की है, और आपको जो बैटरी बैकअप दे देगी वो 4 से 5 घंटे का दे देगी आराम से नॉर्मल यूजेस पर। और अगर फिर भी ख़त्म भी हो जाए ना तो 30 मिनट में 50% आपका लैपटॉप चार्ज कर देगी। 170 वॉट का इसका चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर ही। बाकी इसके अंदर हम लोगों को वाईफाई 6 भी मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 भी मिल जाता है, लेटेस्ट लैपटॉप है, मजा आ जाएगा चलाने में। थोड़ी सी बुराइयां भी कर ली जाए दोनों ही लैपटॉप की, A17 में आप लोगों को पोर्टेबिलिटी दिक्कत देगी क्योंकि 17.3 इंच की डिस्प्ले है और 2.6 किलो का जो है ये लैपटॉप है। अब अगर आपको डेली ऑफिस जाना है, डेली स्कूल जाना है, तो आप इतने बड़े से लैपटॉप को नहीं लेके जा सकते, रोज़ दिक्कत आ जाएगी। वैसे आप सोच रहे होगे 2.3 2.6 में 300 ग्राम का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं बोल रहा, तो कुछ दिन तो आप संभाल लोगे, लेकिन जो 17.3 इंच की डिस्प्ले इधर उधर घुमाने में जो लगती है ना थोड़ी सी भारी, थोड़े दिन बाद आप लोगों को लगेगी जब आप चार्जर भी लेके जाओगे, ठीक है, फिर लैपटॉप भी लेके जाओगे, हेडफोन्स भी लेके जाओगे, माउस भी लेके जाओगे इधर उधर, तो इसका जो वेट है वो 3-4 किलो के आसपास पहुंच जाएगा, फिर तो बस फिर एप्स बन जाएंगे आपके। और Asus TUF सीरीज़ के जो कूलिंग सिस्टम है ना वो भी थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है। जितने लोअर वेरिएंट्स है ना 70-80,000 रुपीज़ के आसपास वाले, उसमें लोग कहते हैं कि इसका जो कूलिंग सिस्टम है उतना बढ़िया नहीं है। अब पर्सनली मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई थी वैसे, लेकिन जितने मैंने रिव्यूज़ देखे उस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि कूलिंग सिस्टम है थोड़ा बढ़िया। तो अगर आपको कूलिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप राइजन कंट्रोलर डाउनलोड कर लेना, 80 डिग्री पे सेट कर देना, परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका गर्म भी नहीं होगा लैपटॉप। और अगर लैपटॉप के अंदर ज़्यादा नहीं घुसना तो एक कूलिंग पैड मंगवा लेना, बढ़िया हो जाएगा। बैटरी बैकअप भी जो आप लोगों को Asus TUF A17 में थोड़ा सा दिक्कत देगा क्योंकि 48 वॉट आवर की बैटरी है,
2 घंटे 3 घंटे चल पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी नॉर्मल यूजर्स पे। लीजन 5 की कुछ बुराइयों के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी हाई रखी गई है, ये हम सबको पता है, क्योंकि 60,000 में हमें सेम स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप मिल जाता है, साथ में 1650 Ti भी एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, लेकिन सिर्फ 1650 ही मिला है हमें। अलग से मॉडल है 1650 Ti वाला, लेकिन वो 70,000 रुपीज़ के प्राइस मार्क को क्रॉस कर जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं उसको लेने का। बाकी दूसरी जो मुझे बुरी चीज़ लगी इस लैपटॉप में वो ये है कि आप 16 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं कर सकते, 32 GB तक नहीं कर सकते। वैसे तो यार 32 GB तक कोई रैम अपग्रेड करता भी नहीं है लैपटॉप में, लेकिन अगर आप 32 GB तक की रैम अपग्रेड कर लो ना 3200 MHz वाली, तो परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया मिलेगी ना आपको, बता नहीं सकता मैं। मतलब 32 तक दे देते यार, मदरबोर्ड में क्या कॉस्ट कटिंग करोगे तुम। देन तो चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, 16 GB तक ही मैक्सिमम लोग अपग्रेड करवाते हैं, 32 GB में तो 10-15 हज़ार का खर्चा आ जाता है। अब जब रैम वगैरह की बात चली रही है तो अपग्रेडेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर 32 GB तक आप अपग्रेड करवा सकते हो रैम Asus TUF A17 में 3200 MHz तक, और लीजन 5 के अंदर आप 16 GB तक की रैम अपग्रेड करवा सकते हो 3200 MHz वाली। दोनों ही लैपटॉप में हमें स्टोरेज के लिए 2 स्लॉट्स मिलते हैं, या तो आप 1 SSD और 1 SSD लगा सकते हो, या फिर 2 SSD लगा सकते हो दोनों ही लैपटॉप में। तो ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कॉन्स भी बता दिए, प्रॉस भी बता दिए, सिमिलर स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ बता दी, अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया। तो Asus TUF A17 जो है मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आपको बहुत अच्छी गेमिंग करनी है एक कूलिंग पैड लगा लेना, क्योंकि इसके अंदर 17.3 इंच की डिस्प्ले है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, और परफॉर्मेंस भी आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिलेगी, 3-4 FPS का फर्क आएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो है, देखो ये बात तो है। और अगर आप अपग्रेड वगैरह भी करोगे लैपटॉप को, तो आपको अपग्रेडेबिलिटी वाले ऑप्शंस भी ज़्यादा मिल जाएंगे Asus TUF A17 में। तो अगर आपको गेमिंग करनी है, सिर्फ गेमिंग करनी है, पोर्टेबिलिटी आप लोगों के लिए मैटर नहीं करती, बैटरी मैटर नहीं करती, तो फिर आप Asus TUF A17 के साथ जा सकते हो। Lenovo Legion 5 मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो कि मतलब इधर उधर फिरते रहते हैं, पोर्टेबिलिटी उनके लिए मैटर करती है, और साथ में बैटरी बैकअप भी मैटर करेगा ही अगर आप इधर उधर लेके घूमोगे। तो ये जो लैपटॉप है ये प्रोफेशनल लुक के साथ तो आता ही है, अगर आप जॉब करने जाते हो तो प्रोफेशनल लुक तो आप लोगों को ये देगा ही, साथ में परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया दे देगा और बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया दे देगा, और कूलिंग सिस्टम तो देखो इसका है ही नंबर वन। तो Lenovo Legion 5 उन लोगों के लिए जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस चाहते हैं, इधर उधर ले भी जूं मैं, गेम में भी खेल लूं मैं, और प्रोफेशनल लुक भी दे दूं मैं, Lenovo Legion 5 उनके लिए बढ़िया। बाकी जो थर्ड वर्डिक्ट हुआ मेरा वो ये हुआ कि आप लोग थोड़ा टाइम तक वेट कर लो, क्योंकि Acer Nitro 5 भी जो है बहुत जल्दी सेल पर जाने वाला है, 70,000 रुपीज़ का जो है वो लैपटॉप है, और Ryzen 5 5600H के साथ आता है, जो कि Ryzen 5 4600H से एक जनरेशन ऊपर है, तो वो वाला जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि थोड़े टाइम तक रुक जाओ, अगर रुक सकते हो तो, लेकिन अगर आपको आग लग रखी है कि मैंने अभी ही लेना है तो फिर कोई नहीं रुक सकता आपको, लेकिन अगर आप एक महीने तक रुक सकते हो तो Acer Nitro 5 अगर आप लोगे रिग्रेट नहीं करोगे, सही बता रहा हूँ, वेट करना वर्थ होगा आपके लिए। बाकी अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं वेट करता एक महीना, चाहे मुझे जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि अगर मैं 70,000 रुपये खर्च रहा हूँ, एक छोटी अमाउंट नहीं होती है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो मुझे नई चीज़ मिलनी चाहिए ना, बढ़िया चीज़ मिलनी चाहिए, क्यों भाई मैं क्यों लूँ बेकार चीज़, है ना, बेकार नहीं है वैसे, दोनों बहुत पावरफुल लैपटॉप है। लेकिन जब नई मार्केट में चीज़ आ गई है तो नई के पीछे भागेंगे ना, पुरानी चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे, बायोफिजिक्स ब्लूटूथ 5.1 वगैरह सब होगा उसके अंदर, वो बढ़िया चीज़ होगी एकदम। तो बस यार इस वीडियो के लिए रखते हैं, इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी अलग चीज़ें करने की कोशिश करी, पहले मैं स्पेसिफिकेशन रट देता था आप लोगों के सामने और वर्डिक्ट बता देता था, लेकिन इस वीडियो की स्क्रिप्ट को बनाने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा, 1-2 घंटे लगे, तो इस वजह से ना चुपचाप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। ये जो आपने वर्डिक्ट वगैरह देखे हैं, ये कॉन्स प्रॉस जो देख के आए हो अभी, इतने स्मूथली जो इधर उधर से ट्रांजिशन हुई है, ये बहुत मुश्किल से होती है, इसलिए सब्सक्राइब करो फटाफट से जाके। बाकी इस वीडियो में रखते हैं, मैं आपसे वीडियो में एक नया टॉपिक समझ, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब कर दो जाके, कहीं फिर आपके फ़ोन में आकर करवाऊँ मैं।